जो एक इंसान ने किए। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, हम किताबें पढ़ते थे कि जी वो फलाना आदमी बड़ा कामयाब है। मैं क्रिकेट की भी किताबें, जो अच्छा खिलाड़ी था उसके ऊपर पढ़ता था। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि हम उनसे सीखना चाहते थे, हमारे रोल मॉडल थे। आज हमारे बच्चे बिल गेट्स का पढ़ते हैं कि दुनिया का सबसे कामयाब टेक्नोलॉजी का आदमी है, कि वो कैसे पहुंचा। स्टीव जॉब्स, ये बड़े लोग जो कामयाब है, लोग उनकी किताबें पढ़ते हैं। तो जो आज इंसान सबसे दुनिया की तारीख का अजीम आदमी था, तो अल्लाह हमें हुक्म कर रहा है कि उनकी जिंदगी से सीखो, क्योंकि अगर आपने ऊपर जाना है तो उनके रास्ते पे चलो। अल्लाह को फायदा नहीं पहुंचा सकता कोई, अल्लाह बेनियाज है। ये हमारी बेहतरी के लिए वो कहता है। तो मेरा ये सबसे पहला ये नतीजे पे मैं कैसे पहुंचा, क्योंकि जब मैंने दोनों माशरे देखे, आपको है, आप हैरान होंगे कि जो मदीना की रियासत के असूल बनाए थे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप हैरान होंगे कि वो उन असूलों पे वो मगरबी माशरे चल रहे हैं। जो उन्होंने मदीना की रियासत पे एक उन इंसानों को जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी, उनको दुनिया की इमामत करवा दी, और ये तारीख का हिस्सा है। एक किताब है, बड़ी तारीखी किताब, उसको कहते हैं द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। एक बड़ा हिस्टोरियन गिबन्स उसने लिखी हुई है, उसमें एक पूरा चैप्टर है कि कैसे वो रोमन एम्पायर, जो इतना बड़ा सल्तनत थी, सुपर पावर थी, वो कैसे गिरी। उसमें पूरा चैप्टर है कि एक इंसान उठा अरब से और देखते देखते उसने घुटने टेक दिए उसके सामने। तो उसने क्या किया? जो चीजें की ना, वो थी मदीना की रियासत में उन्होंने बुनियाद रखी। बुनियाद किस चीज पे रखी? सबसे पहली बुनियाद रखी अदल और इंसाफ पे। ये जो आप एक चीज याद रख लें कि जिस माशरे के अंदर कानून की हुक्मरानी नहीं, जिधर इंसाफ नहीं, वो जानवरों का माशरा है। जानवरों के माशरे में इंसाफ नहीं होता। अल्लाह ने जितने अपने पैगंबर भिजवाए दुनिया में, 1,40,000, वो सारे एक ही पैगाम देने आए थे कि जानवरों से मुख्तलिफ इंसान की माशरे में इंसाफ होना चाहिए। और इंसाफ का मतलब होता है ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। ये याद रखें, ये सबसे बड़ी बुनियाद रखी जाती है एक इंसानी माशरे पे। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास एक कुरैश, उसने कहा जी कुरैश की लड़की ने चोरी की है, इसको माफ कर दे, कुरैश की लड़की है। तो उन्होंने कहा कि मेरी अगर बेटी भी चोरी करेगी तो उसको सजा मिलेगी, कि कोई कानून से ऊपर नहीं है। और फिर उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे से पहले कौमें तबाह हुई, जिधर एक छोटा चोर चोरी करता था वो जेल में चला जाता था, लेकिन ताकतवर को उस मुल्क का इंसाफ का निजाम नहीं सजा दे सकता था, कौम तबाह हो जाती है। यानी कि जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। जो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन ना इंसाफी और जुल्म नहीं चल सकता, जुल्म का निजाम। आज अगर आपने देखना है अदल और इंसाफ, मैं आपको मुल्क बता देता हूं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, सबसे खुशहाल मुल्क है, वसाइल है ही नहीं। पाकिस्तान में अल्लाह ने इतनी नेमतें बख्शी हैं वसाइल की हैसियत से, लेकिन स्विट्जरलैंड में तो है ही कुछ नहीं। वहां खुशहाली देखें जाके। और एक इंडेक्स होता है कि एक मुल्क में, उसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी इंसाफ कितना ज्यादा है किस मुल्क में। आप हैरान होंगे कि मुसलमान मुल्कों में 20% भी नहीं है इंसाफ, रूल ऑफ लॉ। स्विट्जरलैंड में तकरीबन 100% है, कोई कानून के ऊपर नहीं है। इंसाफ और खुशहाली, जुल्म का निजाम और तबाही, ये मेरे नबी ने तब कह दिया था। दूसरी चीज,
फलाई रियासत, मदीना की रियासत दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई गई थी। रियासत ने अपने कमज़ोर